दोस्तों राधा मोहन का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पर खुद इस चीज को बोलती हुई नजर आने वाली हैं, जो कि मोहन की माँ बोलती हुई नजर आएगी कि ये मत भूलो कि ये ऑफिस तुम्हारे बॉस का भी है, यानी कि मेरे बेटे का है, जी हाँ मोहन का, और तुम राधा के साथ में इतना बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय राधा का कितना ज़्यादा पक्ष लेती हुई नजर आने वाली है मोहन की माँ। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इधर किसी भी तरीका से कोई कमी नहीं कर रही है दामिनी अटैक करने पर। हालांकि दोस्तों अब छोड़ने वालों में से नहीं है इधर तुलसी, क्योंकि तुलसी बोलती हुई नजर आने वाली है कि इसकी सज़ा तो इसको अभी नहीं तो कुछ समय के बाद मैं दूंगी ही दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हालांकि इस समय दामिनी बोलती हुई नजर आ रही है कि जो हाल मैंने तुलसी का किया था वो ही हाल मैं इस लड़की का करूंगी ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय जंग छिड़ चुकी है और एक दूसरे के लिए, और जंग छिड़ने का रीजन भी आप लोग जानते ही होंगे, जी हाँ, क्योंकि जंग छिड़ने का रीजन ही ये है कि किसी भी तरीका से हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना राधा को। तुलसी चाहती हुई है कि ऑफिस में तो मेरा राज है ही, लेकिन मेरा घर पर भी राज रहे। लेकिन दोस्तों अब मोहन की माँ पूरी तरीका से राधा के सपोर्ट में आती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आप लोग जानते ही हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता था इस कहानी में, लेकिन दोस्तों अब आप लोग देख पाएंगे कि मोहन की बात की जाए तो मोहन थोड़ा सा टेंशन में जरूर आ रहे हैं। मोहन का मानना यह है कि ऐसा कैसे हो चुका है राधा के साथ में, क्योंकि मोहन की माँ सभी चीज़ बताती हुई नजर आने वाली है मोहन से कि ये किया है तेरी वाइफ ने, सॉरी तेरी ऑफिस पार्टनर ने राधा के साथ में। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी समाप्त नहीं होती है, बल्कि कहानी में असली ट्विस्ट आना तो मेरे दोस्त अभी बाकी है, और असली ट्विस्ट की कहानी कुछ और ही बयां करती हुई नज़र आने वाली है। उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके जरूर बताइए गाइज। थैंक यू सो मच गाइज सपोर्ट।